तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मामी के बाल जो पिछली वीडियो में कट गए थे, बेचारी मामी बहुत दुखी हुई उसके बाद भी। लेकिन कुछ छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी किसी को पता नहीं है। सारे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और अभी मैं जा रही नानी, इधर उधर हांड रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मामी ने बाल बांध लिए थे और चुन्नी रख ली थी, तो उन्हें किसी को पता नहीं चला ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। ये देखो बाल बंधे हुए ना और मैंने ढक रखे थे, तो किसी को पता नहीं चलेगा मैंने बाल भी कटवाए। तो अभी मैं नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद मैं बाल खुले रखूंगी और फिर मैं सबके सामने जाऊंगी, जब देखेंगे कि सबका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। औरों का तो छोड़ा, अपनी सासू माँ का देखना, यानी कि वो क्या कहेगी, क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है बाल नहीं कटाने, बाल नहीं कटाने, बाल नहीं कटाने, बाल लंबे अच्छे लगते हैं, ये है वो है। लेकिन अब मैं बाल कटवा ही चुकी हूँ, तो अब तो भाई जाके उनको दिखाते हैं कि कैसे बाल है। और फिर मैं ये कहेंगे ना कि क्यों कटवाए, तो मैं सीधा नाम लूँगी इस लड़की का, ये जो बैठी है इसका, इसको कहूंगी इसने काटे हैं जोर जबरदस्ती मेरे बाल। तो फिर देखते हैं फिर क्या कहेगी मम्मी, इसको डांट पड़ेगी, मेरे को कुछ डांटने ये पड़ेगी। क्या बात है, यही बात होती है ना ना ना, डांट तेरी पड़ेगी, तूने किया ये काम। ये कोई बात नहीं होती है, ये चीटिंग कर रही है मामी। मैंने बाल काट दिए थे पर उसका बदला लिया था मैंने, तो अपनी भी बात बताना कि मजबूरी थी मेरी, चीटिंग नहीं। बताओ भाई, एक दो हज़ार रुपए के लिए इसने मेरे बाल काट दिए, इसको मैंने 2000 का गिफ्ट नहीं दिलाया, इसके लिए इसने मेरे को मेरी एक साल की मेहनत, मेरे बाल ये टुंडी से बाल बना दिए, टुंडी से, ये देखो छोटे पीछे ये कर दिए, गंदे लग रहे हैं। अच्छी, अभी मैं धो के आती हूँ। फिर अभी तो क्या हुआ, दीदी ने तो रफली काट दिए हैं, अभी तो मैं अंकल को बुलाऊंगी, शेर सिंह अंकल को, वो आएंगे। आज उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा आज हम बाल नहीं काटेंगे, और कल हो गया सैटरडे, तो कल वैसे बाल नहीं कटेंगे क्योंकि सैटरडे को मैं बाल नहीं कटवाती। अब नंबर आएगा संडे को, लेकिन संडे को तो वो अंकल इतना बिजी होते हैं कि उनकी दुकान पे इतनी भीड़ होती है, उनके सैलून पे बहुत ज़्यादा। तो अब जाके मेरे कहीं ट्यूजडे को वैसे नहीं कटेंगे, मंडे को बाल कटेंगे, मे बी पॉसिबल है तो मंडे को, मंडे को नहीं तो सीधा वेडनेसडे को बाल कटेंगे। और अगर मामी भूल गई तो फिर हो सकता है ज़िंदगी भर ऐसे ही बाल रहे। नहीं नहीं, फिर ये है कि लास्ट पर एक ऑप्शन ये रहेगा कि पार्लर जाके कटवाऊँ, अगर उन अंकल को या भैया को जो है टाइम नहीं मिला तो पार्लर जाके कटवाएंगे। हाँ, तो आज अभी मैं नहा के आती हूँ पहले। ये देखो मैंने कपड़े ले लिए पहनने के लिए, तो मैं मिलती हूँ, तब तक इससे गपशप करो। तो अभी मुझे पता है मामी का सबका रिएक्शन बहुत ही बुरा होने वाला है, और मामी को तो डांट पड़ेगी, मेरे को मेरा तो बुरा हाल होने वाला है, बिकॉज नानी मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी। पर कोई बात नहीं, अगली चांस नानी की है, अगली बार नानी के बाल कट के रहेंगे, तो ये नानी के लिए भी सरप्राइज होगा फिर। यस, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नानी ने पिछली बार मेरे बाल कटवा दिए थे एंड शी इज़ लाइक सो हैप्पी। हाँ, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नानी ने सबको सपोर्ट किया, जबकि मुझे लग रहा था नानी मुझे सपोर्ट करेगी, तो इस बार नानी के भी बाल कटेंगे। गोलू को तो कट ही चुके हैं, सबके कट चुके हैं, बस भगवान मेरे मत कटवाना। मुझे लगता है कि मैंने मामी के बाल काटे तो मम्मी को काटने चाहिए नानी के बाल। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, मामी बोल रही ना, शर्म ही नहीं है। आप रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, और चल अब सबका रिएक्शन लेते हैं और देखते हैं। मम्मी तो अभी सो रही है, तो मम्मी का लेंगे उठने के बाद, अभी बच्चों का रिएक्शन लेता है पहले। ठीक है, आ जा मेरे पीछे पीछे, आ पीछे से मेरे जी लग रहा है। ये बाहर में जान दो, पागल अच्छे नहीं लगे, बड़े बाल सही है, बड़े बाल अच्छे लगते हैं। अब मैं बड़े से कुंजी खाने काट दिए मेरे चुपके से, मम्मी छोटी ले वीरू, मम्मी डांट लगा दे, तो क्यों काटे मेरी मम्मी के बाल, मम्मी छोटी लग रही है प्यारी सी। और एक्टिंग में खुद ही हंस गया। चलो प्रिंस का रिएक्शन, प्रिंस तो कब से देख के जा रहा है आपके बालों को। प्रिंस प्रिंस मेरे बाल देख, बैठ जाओ, बाल देख कटवा के लिए
अरे यार किसी को अच्छे नहीं लग रहे मेरे बाल। मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बहुत खतरा के बाल। बाहर जाओगे तो भी बेइज्जती होगी, आपको क्या पता। कह रहा है बाहर जाओगे तो इतनी बेइज्जती होगी, आपको क्या पता। बेइज्जती कौन करेगा मेरी, सब लोग करेंगे, पूरी दुनिया बात करेगी। मैं बालों को बांध के जाऊंगी। बांध के जाओगी? बांधने में तो आप और भी ज्यादा बुरे लगोगे। तेरी वजह से है ना सब मेरे को डांट लगा रहे हैं, सब मेरे को बेकार बाल बोल रहे हैं, तेरी वजह से हो रहा है सब। बहुत अच्छे लग रहे हैं मामी, लग रहे हो आप कि आप तो तेरी वजह से हुआ मानूंगा अगली बार ऐसे मुश्किल। भाई चुप हो जाओ, मेरे को तो किसी ने बोला है ना। ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सपोर्टर है, ठीक है, ये मेरा सपोर्टर। यार चिकन हमको पता था पीछे से मारेगा, मैं पहले उड़ गई। आ जा ओए, तू किस की मारी चला, तो मैं पैर यहां पे आया है, बोलू ही काम मत करा, तो बेटा गिर जाएगा, सिर फूट जाएगा। किसी को मेरे बाल अच्छे नहीं लगे, अब लास्ट रह गई मम्मी। मम्मी से भी मेरे को तो पता है डांट खानी है। बस मेरे को बीच में मत लेना, मैं दूर चली। सब कुछ हुआ है कुछ दिक्कत वजह से हुआ। ज्यादा मत बोल, मैं बता रही तुझे। मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मामी के बाल कटे। और मैं तो कह रही हूँ नानी के भी बाल कटने चाहिए, मेरे तो देखो इतने छोटे से हैं और इतने से बालों का मैं क्या ही कटवाऊँ। मेरे बारे में कोई मत बोलना, सोचो नानी के बारे में बोला, नानी के बाल कटने दो क्योंकि चांस नानी के बाल कटने के ज्यादा है, मेरे तो मैं नहीं कटवाऊंगी। इतनी मुश्किल से, पता कितनी मेहनत लगती है बाल बड़े करने में, इतनी पूरी जिंदगी चली गई मेरे बाल बड़े करते करते, इससे बड़े कभी होने नहीं दिए मामी ने। और तेरे अब की बार मैं ही काटूंगा तेरे बाल, अब तो मेरे सबसे मेरे को कितने पैसे ना, सच बताओ ना, एक बार बताओ, किसी को अच्छे लगे हो ना लगे, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, मेरे को भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। अभी तो गीले आए बाल, अभी सूख जाएंगे ना, जब देखना जब असली वाली, और है ना मैं ना ऐसे लग रही हूँ छोटी बच्ची जैसी, है ना अच्छे लग रहे हैं, पर छोटे बच्चे जैसी तो मत बोलो। यार पहले बड़ी बड़ी लग रही थी, अब मैं अच्छी लग रही, छोटी बच्ची बच्ची नहीं कह सकते, मतलब मेरी एज के लेवल वाली बच्ची, समझ गए ना। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सी वाली एज की बात कर रही है आप। लेकिन 50 साल की हो आप, 60 साल की हो, मतलब आप कह रहे हो कि मैं 50 साल की लग रही हूं। हां ऐसे वाली बच्ची, ठीक है, अब 40 की हो तो मैं कहूँगी मैं 30 की लग रही ऐसे, तो नो डाउट तूने उन्होंने उनको चीज अच्छे लगे ना लगे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कह रही है मेरे बाल मत काटना, इसके बाल तो नानी के बाल कटेंगे, नानी के प्लीज, सारे नानी के बालों के लिए बोलना, मेरे के लिए कोई नहीं बोलेगा, अगर मेरे के लिए किसी ने बोला मैं बात नहीं करूंगी किसी से। आज को हम लोग यही खत्म कर दे, नानी का रिएक्शन नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है, बड़ा हो गया है वो लोग काफी सारा, मुझे भी लगता है। और नानी अभी सोएगी कई घंटे के लिए, और मैं इसको अभी एडिट करके डाल देती हूँ। और तो आज का व्लॉग तो यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, उसमें दिखेगा नानी का रिएक्शन, यानी कि इसकी नानी का तो पूरा दिन ही चलेगा रिएक्शन, क्योंकि हाँ नानी तो पूरे दिन है ना, सुबह से स्टार्ट होगी जब दिखाऊंगी मैं, और फिर शाम तक चलता रहेगा, जब भी देखेगी बाल मेरे को गालियां बकती रहेगी, साथ में कुंजिका को भी गालियां। मैं तो दिखूंगी नहीं, मैं तो ऊपर चली जाऊंगी। मेरे बालों के लिए कोई नहीं बोलेगा, सारे नानी के बालों के लिए कमेंट कर दो कि नानी के बाल कटे, नानी के बाल कटे, और फिर डेफिनेटली मैं खुद काट दूंगी, किसी और ने नहीं काटा। तो कमेंट करना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, अब ये गिल्ले हैं तो सूखने के बाद और अच्छे लगेंगे, लेकिन गिल्ले बालों भी में भी अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को मेरा लुक अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू मत बोलना, मेरे को लंबे बालों का काम ही क्या था, पता क्या क्या होता है, जैसे अब अच्छा लग रहा है इन्हें, अब अच्छा लग रहा है। सुन एज ए हाउस वाइफ बता रही हूँ कि मेरे मोस्टली बाल बंदे रहते हैं, और गर्मी का सीजन चल रहा है तो पसीने भी आ जाते हैं बालों में, तो इस वजह से ना बाल रोज भी इतने बड़े बाल धुल नहीं सकते, तो मेरा थोड़ा सा रीजन ये था कि बाल छोटे हो ना तो जब भी नहाओ तो धो लो, जैसे अब नहा के आए तो पानी गिर लिया, सही है साफ सुथरे हो गए बाल, वो बड़े बालों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी में, और फिर एज ए हाउस वाइफ मेरे को सिर पर भी रख के रहना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है, तो लंबे बालों का काम ही क्या था। तो अब छोटे बाल हैं, छोटे बालों को जब मर्जी धो लो, और पीछे बांध लूँगी ना तो किसी को, और चुनी डर लूँगी सिर पर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बाल लंबे है या छोटे हैं, हरियाणवी पूरी निकल जाती है, कितनी कोशिश कर लो हिंदी बोलने के लिए हरियाणवी टच निकलते हैं। मेरे तो बाल छोड़ो, नाखूनों के भी इतने बड़े हुए हैं उसमें। हाँ, इसके नाखून कल कटेंगे, इसके नाखून पता है, मतलब इतनी मेहनत लगती है, कल तो सैटरडे है, परसों कटेंगे इसके नाखून, तो फिर देखते हैं आज ये इसका नाखून मैं कटवा के रहूंगी, क्योंकि कितने बड़े बड़े कर रखे हैं ये बड़े होते भाई, ये बड़े यार, ये बड़े नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं ये। पता है क्या, मेरी मामी इतनी वो है, मामी भी दोनों जब भी मामा आएंगे नाखून दिखाइयो, तेरे बड़े हो रहे हैं, और मामा भी मेरे को गुस्सा करते हैं
कल रात को मेरे को डांट पड़ी थी, वो तो अच्छा मैं सही टाइम पे निकल ली थी। हाँ ये बच गई, नहीं तो अच्छी खासी डांट। एक ही हाथ के बड़े, दूसरे हाथ के तो मेरे को पता था ये कटवा देंगे, तो दूसरे हाथ के बड़े नहीं। खून निकल रहा है, ये नाक में, इसमें से खून निकल रहा है, तो बेटा अच्छी बात है, मेरे से दूर रह प्लीज। फूल गई ना तो वो ठीक है, बाय। ना पड़ेगा अब तो, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय। पासवर्ड लगा रखे हैं जो मेरे को पता है और किसी को नहीं पता।